प्रॉब्लम नंबर 1.38 दिया हुआ है, पॉइंट मूव्स विद डिसेलरेशन अलोंग द सर्किल ऑफ रेडियस आर सो दैट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल इन मॉड्यूलाई। तो हमें दे रखा है उसने कि पार्टिकल डिसेलरेट कर रहा है सर्किल ऑफ रेडियस आर के अलोंग, तो हम लोग लिख दें यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी डी वी बाई डी टी से रिप्रेजेंट होता है, दिस इज लेस देन जीरो, और नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन जो कि वी स्क्वायर बाई आर से रिप्रेजेंट होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। साथ ही साथ हमें दे रखा है कि दोनों के मॉडुलस बराबर हैं, तो दैट मीन्स एंड मॉड ए टी इज इक्वल टू मॉड ए एन, ये दे रखा है। आगे पढ़ें, दिया है एट द मोमेंट t equal to 0 the velocity of the point equals v naught, so that means and at t equal to 0 velocity की value v naught दे रखी है। find a part में हमसे पूछ रहा है the velocity of the point as a function of time and as a function of the distance covered s, so that means v की value हमसे time का function और distance का function पूछा जा रहा है। तो अब हम इस चीज़ को यूज कर रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर दिया हुआ है, ए टी इच डी वी बाई डी टी और ए एन इच वी स्क्वायर बाई आर, तो जब हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन चाहिए तो हम इसी ए टी को लिख लें डी वी बाई डी टी, और ध्यान रहे एक माइनस जरूर लगा लें क्योंकि पार्टिकल डिसेलरेट कर रहा है, तो माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पर माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई आर लिख लें और दोनों साइड इंटीग्रेट करें, तो टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी की वैल्यू वी नॉट दे रखी है और टी इक्वल टू टी पर मान लेते हैं वेलोसिटी कुछ जनरल वी है, तो दिस इम्प्लाइज वी इक्वल टू वी नॉट अपॉन वन प्लस वी नॉट टी अपॉन आर, तो यहाँ से वेलोसिटी हमें टाइम का फंक्शन मिल गया। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है ये वेलोसिटी डिस्टेंस का फंक्शन, तो डिस्टेंस के फंक्शन में भी हमें इसी चीज़ को यूज करना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मॉड बराबर नॉर्मल एक्सेलरेशन के है, तो लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चूँकि एस का फंक्शन पूछा जा रहा है तो अब की बार हम इस ए टी को माइनस डी वी बाई डी टी ना लिख के हम ए टी को लिख लें माइनस वी डी वी बाई डी एस, है ना, क्योंकि v एज ए फंक्शन ऑफ s पूछा जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दिस इम्प्लाइज माइनस डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू डी एस बाई आर। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर लें, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो जब पार्टिकल शुरू किया दैट मीन्स s इक्वल टू जीरो था उस समय वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट और किसी जनरल s पर पार्टिकल का वेलोसिटी v, तो दिस विल इम्प्लाई v इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस s बाई r। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड, टोटल जो एक्सेलरेशन होता है, तो सिंस ए टोटल दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, दिस मच ए टोटल, और चूंकि दिया हुआ है सिंस मॉड ए टी इज इक्वल टू मॉड ए एन दिया हुआ है, तो अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड के बराबर दिया है, तो इस ए टी की जगह हम ए टी स्क्वायर की जगह रादर ए एन स्क्वायर लिख देंगे, तो दिस इम्प्लाइज ए टोटल विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स ए एन हो जाएगा। अब हमसे टोटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्टेंस का फंक्शन पूछा गया है, तो ए एन की वैल्यू नॉर्मल एक्सेलरेशन की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तो वी स्क्वायर बाई आर होती है, तो हम यहां से पहले तो ए टोटल
इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर लिख दें। तो ये दूसरे का पहला पोर्शन हो गया जिसमें कि टोटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन पूछा गया है। साथ ही साथ हमसे टोटल एक्सेलरेशन डिस्टेंस एस कवर्ड का भी फंक्शन पूछा गया है। तो अब हमें इस वी को रिप्लेस कर देना है एस के रिस्पेक्ट में। तो वी एज अ फंक्शन ऑफ एस हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं पार्ट ए में। तो फिर हम इसी चीज़ को लिख लें, ए टोटल दिस इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स v स्क्वायर बाई आर। तो v स्क्वायर दैट मीन्स ये v एज ए फंक्शन ऑफ s लिखना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस v नॉट e टू द पावर माइनस s बाई आर होल स्क्वायर अपॉन r। तो ये हमारा दूसरा b पार्ट का दूसरा पोर्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने जो बोला कि पार्टिकल डिसेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है दैट मीन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो पहली चीज़ जो ऑब्जर्व करने की है वो ये कि dv बाई dt इज नेगेटिव लेस देन जीरो। फिर उसने कहा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर होता है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा ये चीज़। और t इक्वल टू जीरो पर v इक्वल टू वी नॉट है। तो वेलोसिटी हमसे टाइम और डिस्टेंस का फंक्शन पूछा गया। तो पहले हम इस ए टी को माइनस डी वी बाई डी टी लिखे और फिर इसी ए टी को माइनस वी डी वी बाई डी एस लिख लिए, दोनों मिल गया वेलोसिटी टाइम का फंक्शन और डिस्टेंस का फंक्शन। बी पार्ट में पूछा जा रहा है टोटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन और डिस्टेंस का फंक्शन। तो वेलोसिटी का फंक्शन तो इस ए टी को जब हम ए एन के बराबर लिख दिए तो रूट टू टाइम्स ए एन हो गया और ए टोटल रूट टू टाइम्स वी स्क्वायर बाई आर आ गया। लेकिन जब यही एस का फंक्शन पूछा जा रहा है डिस्टेंस कवर्ड का तो हम लोग इस वी को रिप्लेस कर देंगे, ये वाला जो वी का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं एस का फंक्शन दैट मीन्स वी इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर माइनस एस बाई आर। तो यहाँ से हमें टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा एस का फंक्शन। तो ये हमारा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 1.38।